श्री श्रीमद भक्तिविदांत वामन गोस्वामी महाराज एवं मेरे सन्यास गुरुपाद पद्म परिव्रात नारायण गोस्वामी महाराज सरस्वत सपा सपार्षद सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद सर्वानुवर्ग के चरण कमल में अनंत गुरु श्रेष्ठ में दंडवत प्रणाम वैष्णव भक्तजी वृंद सभी के चरण में यथाजग्र दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं सादर अभिनंदन करता हूँ। हरी कथा को भी मैं प्रणाम करता हूँ, श्रोता को प्रणाम करता हूँ। हम लोग वैष्णव तत्व, क्योंकि आजकल साधु लोग कौन है पहचानना बड़ा मुश्किल है। कल ये आजकल की बात नहीं है, सत्तर युग से ही ये सिलसिला चल के आ रहा है, क्योंकि रावण भी साधु ही यही वेश पहन के गए थे, पूरी साधु को भी ढपका लगा दिया और बदनाम कर दिया। जो रावण ने जो करके दिखाया और तब से साधु के ऊपर बदनाम आ रहा है। तो गुरुदेव गुरु महाराज बोलते हैं तो साधु के समालोचना क्यों होंगे, क्या कहा, साधु की समालोचना क्यों होंगे। अगर मैं सच्चा साधु हूँ तो मेरे लिए क्रिटिसाइज क्यों करेंगे, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ कमी है। गुरु महाराज दुनिया को नहीं बोला, नहीं बोलते हैं साधु की समालोचना क्यों होंगे। गुरुदेव जो कहते थे करोड़ बातों की एक बात बोलते हैं, एक एक बात क्या बोला, साधु की समालोचना क्यों होंगे, क्यों होगी। इसका मतलब उस साधु में कुछ गड़बड़ है ना, तभी तो समालोचना आलोचना उसकी। जैसे घर के बच्चा कुछ गड़बड़ किया, कुछ बच्चों के साथ खेल करके गलत काम किया, कि जो बच्चे के साथ रहती है गलत काम के बच्चे लोगों को डांटोगे कि आपने बच्चे को डांटेंगे, आप बताइए। अपने बच्चे को डांटना चाहिए, दूसरे को डांट सकते हैं, दूसरे को क्यों डांटेंगे, पहले अपने बच्चे को डांटो, नहीं हो जाएगी। तो गुरु महाराज ऐसे ही शिक्षा दे रहे हैं, पहले अपने को सही भालो। बोलते हैं आप भालो तो जगत भाल, आप भालो आप अच्छे हैं तो जगत अच्छे, आप सही नहीं है तो जगत भी लगेंगे ऐसे। एक एग्जाम दृष्टांत सुना, ये कलयुग में ये बात उल्टी हो गई है, प्रमाण के साथ देख रहे हैं। आप अच्छे हैं तो सब अच्छे, आप गलत हो तो सब कुछ गलत देखेंगे। कैसे, जैसे आप नीला कलर की चश्मा पहन, पूरी दुनिया में नजर घुमा तो नीला नीला नजर आएगा, लाल वाला चश्मा पहन लो लाल नजर आएगा। जिस कलर की चश्मा पहन लोगे उसी कलर ही आप देखते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है हर चीज लाल, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ,
आपकी दृष्टि अच्छी है तो अच्छी लगेगी जी, इसलिए नजरों में कमी हमारी है ना जी, नजरों में कमी हमारे अंदर है। राधे जिधर देखूं तू ही नजर आवे, राधे जिधर देखूं तू ही नजर आवे, ऐसे भक्त बने ना जिधर देखते हैं श्रीमती राधा रानी की नजर में आए, गुरु जी आए। एक बात सर्स परम गुरुदेव किशन को श्री महाराज के बारे में बताता हूँ। एक बार परम गुरु जी गुरु महाराज को लेकर विश्वकर्मा ठाकुर जी के दर्शन करने गए। कुछ कॉलेज के लड़का उनको दादू दादू कहते थे, दादाजी दादाजी। तो दादाजी हम लोग विश्वकर्मा जी पूजा है कर, जो देवताओं के इंजीनियर है उनकी पूजा करेंगे, आप जरूर आइए। चले हाँ बेटा आएंगे। तो परम गुरु महाराज वहाँ जा करके बिल्कुल एकदम लेट के प्रणाम किया। तो गुरुदेव गुरु महाराज तब छोटा सा था, 9 साल के थे। बोलते हैं गुरु महाराज आपने ये विश्वकर्मा ठाकुर को तो हम प्रणाम नहीं करते हैं, दूर से प्रणाम कर लेता हाथ जोड़ लेते हैं, आपने ऐसा लेट के प्रणाम क्यों किया? दंडवत दंडवत, क्योंकि शिष्य के अंदर जितने भी संशय है उस संशय को दूर करना चाहिए, गुरु का काम। सभी संशय को सदगुरु जी संशय छेदन करते हैं। तो गुरु परम गुरुदेव और उनके शिष्य गुरु महाराज उन्होंने पूछा तो कहते हैं, ध्यान से सुनना बहुत बड़ी बात है, बोलते मैं विश्वकर्मा को प्रणाम देखा नहीं, मैं तो सरस्वती ठाकुर प्रभु को यानी गुरुदेव को मैं देख रहा हूँ। इसीलिए उनकी केशव महाराज के वंदना में है, सिरे प्रभुपाद मुखे प्रभुपाद, दाए बाएं प्रभुपाद और प्रभुपाद। इसका मतलब गुरु के प्रति इतना निष्ठा होना चाहिए, जो हम लोग कुछ भी कर रहे हैं किसी के नहीं मालूम, छुप के कुछ कर रहा हूँ, अंधेरे में कुछ कर रहा हूँ, गुरु को और भगवान को सब कुछ मालूम है तू क्या कर रहा है। घट घट में हूँ, घट घट में कण कण में सुना हुआ है और आपको देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, गलत कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, सब कुछ मालूम है। इसलिए भगवान के और गुरु वैष्णव के आगे छुपाते हैं तो उनकी अनंत काल के लिए छुप जाएगा, वो कभी भी कल्याण नहीं होगा। वो कहते हैं उनके जो है जो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये भगवान के वो साक्षी हैं हमारे लोगों के, कि वो तो सब जगह है ना साक्षी है, वो देख रहे भगवान को रिपोर्ट दे देते हैं सारी। नहीं ये गीता में श्लोक आया सर्वतः पानी पदंत सर्वतः अक्षिशिर सम्मुखम सर्वतः श्रुति मल्लक सर्वमाव्रत तिष्ठति सर्वतः पानी पादांतत, पानी मतलब हाथ हाथ पांव, हाथ पांव दोनों है। अच्छा सर्वतः अक्षि यानी आंखें उनकी है 3, शीर उनका है 4 और मुख भी है 5 और कान भी है, कान भी सब देख सकते हैं सुन सकते हैं बोल सकते हैं, माने हाथ भी है पांव भी है आंखें भी है कान भी है सर, सर्वतः पानी पाद भगवान कण कण में है, कण कण में है, कण कण में है, कण कण में है। प्रहलाद को बोला था उसने कण कण में तो बदला इसमें है, भगवान कण कण में है लेकिन मेरे दिमाग में नहीं है, बस मेरे दिमाग में नहीं है। जो कण कण में देखता है तो उनकी बातें उनका बोलना उनका चलना हर चीज वैष्णव उचित हो जाएगा, शुद्ध भक्त हम लोग करते क्या है, बड़े बड़े बात करते हैं और जीवन में आचरण तो करना नहीं है, क्या आचरण तो सबसे मुश्किल काम है। आइए महाराज जी ये वैष्णव तत्व चल चाहिए, वैष्णव तत्व हाँ वैष्णव गौड़ी कंठ
तो इसमें बताया कि वैष्णव जो होंगे उनके अंदर 26 गुण होते हैं, ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होते हैं और वैष्णव के अंदर 26 गुण है। क्या है? कृपालु, गिनते रहे, कृपालु, अकृतद्रह, अकृतद्रह। इसका एक्सप्लेन बाद में करूँगा, पहले सुन लीजिए। सत्य सम, सार, स्वम, निर्दोष, बदान्न, मृदु, सूचि, अकिंचन, सर्वोपकारक, शांत, कृष्णिक शरण, अकाम, निरीह, स्थिर, विजित षड्गुण, मितभूक, अप्रमत्त, मानद, अमानी, गंभीर, वरुण, मैत्री, कवि, दुख, मोह, ये 26 जो साधु होंगे, जो वैष्णव है, उनके अंदर ये 26 गुण है। तो ये कहते कृपालु मतलब जो दयालु, दयालु। अकृतद्रह धनी, किसी के लिए कोई खिलाफ नहीं बोलते, उनके लिए कोई बोलते हैं लेकिन उन्होंने कभी भी किसी के लिए खिलाफ नहीं करेंगे। सत्य सम, सत्य सार, यानी सत्य ही जीवन के सार है। लोग कह रहे ना कुछ चीज के लिए झूठ बोल सकता है, इसके लिए उसके लिए नहीं, वो हो सकता है लेकिन वो कोई पुराण में होगा, लेकिन शास्त्र में बताया भागवत में सत्यम परम देव, सत्यमेव जयते। धर्म के जो चार पांव हैं उसमें भी सत्य है, तब पवित्रता, दया, सत्य, विचार। सम यानी सम, बाहर भी जैसे अंदर भी ऐसे, अंदर वाले बराबर, अंदर बाहर। हम लोग क्या होते हैं? अंदर से कुछ बाहर, अंदर कुछ बाहर, कपट, निर्दोष। उनका अंदर कोई दोष नहीं, भगवान का गुण है ना निर्दोष। बदान्य यानी उदार, दिल खुला। मृदु, मृदु है, सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट, ज्यादा गर्म मिजाज वाले नहीं, ठंडा मिजाज वाले। सूची मैंने पवित्र तरह, पवित्र अंदर से भी पवित्र रहते हैं, बाहर से भी रहते हैं। बाहर से जैसे कोई गंदगी लग गया, कहीं टट्टी पेशाब कीचड़ वीचड़, वो सब साफ सफाई कर, साफ सुथरे होंगे, साफ सुथरे। मेरे पिताजी कहते थे, बोलते फटा कपड़ा पहनो लेकिन साफ होना चाहिए, साफ, क्योंकि क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, सफाई बहुत जरूरी है। और अंदर से सफाई क्या है, कल बता रहा था ना शाम को, कि हम सुबह उठते ही क्या करते हैं, आग धोते, पानी मारते, फिर दांत साफ करते हैं, फिर जीभ है, जीभ छीलते हैं, इंद्रियां को तो साफ करते हैं, लेकिन मन उनकी साफ के लिए क्या करता है, बताइए, आप बताइए डॉक्टर। दर्पण मार्जन, हरि नाम, ये चेत दर्पण मार्जन भव महादेव अग्नि निर्वाह श्रेय कई वचन जी का विद्या विधान, ये बता। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को मालूम है जो हमारे अंदर कमी क्या है, जीव के, जीव के अंदर क्या कमी है, इसलिए केवल 8 श्लोक दिया, कोई ग्रंथ नहीं दिया। हाँ, महाप्रभु यही सार है, यही सार है, इसको अगर ढंग से अगर देखा जाए तो ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत, इसी 8 श्लोक में ही अष्टजाम, अष्टकालीन लीलाएं, सब कुछ 24 घंटे बीत जाएंगे आपके। बोलो प्रेम प्रसत्तम सती नंदन गौर की जय, भजन रहस्य के अंदर सारा लीला है जी। अकिंचन है ना, किसी से कुछ चाहिए नहीं, अकिंचन नहीं चाहिए नहीं, और किसी वस्तु में आसक्ति नहीं, नो अटैचमेंट, इच्छा नहीं, अनासक्त है, नो अटैचमेंट, एनी थिंग्स, अनासक्त है, जय
जिनकी आसक्ति सिर्फ कृष्ण में है, कीर्तन है। देखा मेरे गुरुवर्ग कितने बड़े आचार्य जिनकी मेरे सन्यास नारायण गोस्वामी महाराज युगाचार्य टाइटल दिया गया बरसाना में, जो ब्रजवासी लोग किसी को नहीं मानते है ना, वही सत्य हम तीर्थ के गुरु है, वही लोगों ने गुरु जी को युगाचार्य युगाचार्य की उपाधि दी। और लेकिन उन्होंने क्या पाया? अगर हम होते तो क्या कितना फूल जाते। अरे इसलिए आचार्य की गुरुवर्ग यही शिक्षा लेना चाहिए। उन्होंने क्या, उन लोगों ने बोला महाराज जी की इतनी बड़े टाइटल मिला युगाचार्य, हम लोग किसी को ऐसा नहीं दिया। तो किसी वहाँ के पंडित लोग बोला महाराज आपको तो बहुत बड़ा पदवी मिल गई। उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास उससे भी बढ़ करके पदवी है। बोले क्या? बोले राधा दास भक्ति। बोलो श्री गुरु जी नारायण गोस्वामी महाराज की जय। ये शिक्षा। और उन्होंने कहा कि हमारे गुरुवर्ग सभी युगाचार्य हैं, सभी युगाचार्य। तो कहने का मतलब ये जो भजन भजन की चतुराई यही है ना, जो लोग आपको प्रतिष्ठा देंगे, वैष्णव गुरु हैं तो सम्मान करेंगे, लेकिन उसी सम्मान के लिए मान के पीछे भागना नहीं है। हम तो निरभिमान होकर के मैं तो दास हूँ गुरु के, कृष्ण के दास हूँ, ये जान करके हमें सेवा करना है। हमें सेवा करना है, यही हमारा काम, शुद्ध अपनी सुधारने के लिए। अगर आप सुधरा हुआ है तो दूसरे को सुधार सकते हैं, अब सुधरा हुआ नहीं है तो दूसरे को नहीं सुधर सकते। तो हमारे गुरुवर्ग सब नित्य पार्षद हम लोगों को मार्गदर्शन कराने के लिए आए थे आएंगे अभी भी। ठीक है, बोलो गुरु गुरुवर्ग की जय। एक बार महाराज गुरुदेव बाबू सिंह महाराज को प्रेसिडेंट है गौर ग्रंथ समिति के, कोई अनुष्ठान प्रोग्राम बनाए, बहुत हजार लाखों लोग आए, तो आचार्य का सम्मान होता है भगवान के तरफ। तो आ रहे थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे, बोले गुरु जी महाराज की। इस ये तो छोटा थोड़ा पतला हार है, मोटा मोटा हार बना रहे हैं। आपने देखा होगा जो नेता बनते हैं ना, जो जीत जाते हैं बेचारा की इतनी माला पहना देते हैं, उनकी इतनी शक्ल ही नजर आती है, मुझे लगता है सारा दम अटक के मर ना जाए। तो खूब तो गुरुदेव स्टेज में बैठ के क्या कहा, आप सभी भक्तजन पहले गुरु महाराज गुरु प्रणाम की, और ये जो सम्मान हमें दे रहे हैं ये सम्मान मेरा नहीं, ये मेरे गुरु महाराज के हैं एवं गुरुवर्ग का है, समझे। ये कितनी यही तो चतुराई है भजन में, वैष्णव का संग में यही भजन की चतुराई सीखना है। अगर हमें लागे अरे सच में इतना माला फना है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं कुछ हो गया, ऐसा अभिमान नहीं। मैं आपको बताया था इस जगत में नामधारी साधु अभिमानी साधु अभिमानी वैष्णव बहुत मिल जाएंगे, लेकिन निरभिमानी वैष्णव साधु बहुत। लेकिन है ऐसा नहीं कि दुनिया में नहीं है, भगवान से प्रार्थना करने से आगे। सर्व पुकार यानी सब पुकार के लिए। एक बार मैं और हमारे आनंद प्रभु जी परम गुरु महाराज के सेवक थे समन महाराज, यहाँ कभी कभी आए थे, आप लोगों ने देखा होगा समन आनंद प्रभु, अभी
इसके ऊपर जहाँ जगी महाराज रहते हैं ना वहाँ पे रहते थे आनंदपुर विद्या अभी नवदीप में रहते वीरेंद्रपुर कुमार। तो उन्होंने हम दोनों जा रहे थे नवदीप तो भीड़ हुआ मंगल तो एक माता जी कहते हैं बाबा जी थोड़ा उठ जाओ ना यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे खड़ी नहीं हो पा रही हूँ बच्चा भी है गोद। तो महाराज ने बोला मेरी तबीयत खराब है बुजुर्ग भी है तो बोलते आप लोग तो साधु हैं है ना समाज की सेवा करने के लिए कपड़ा बनाए आप लोग हमारी सेवा के लिए ही ये कपड़ा बनाए फिर हम लोग तो ये बात कह रहे हैं कि सर्व पुकार सबको पुकार अब कैसे होंगे शांत 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 यानी बाहर से भी और अंदर से कामना वासना बताए ना भुक्ति 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 मुक्ति सिद्धि का भी अकली सकली अशांत और कृष्ण भक्त निष्काम अतव शांत भुक्ति मुक्ति पिशाची सभी अशांत है और कृष्ण भक्त निष्काम अतव शांत निष्काम होने से शांत है अंदर से भौतिक इच्छाएं जब तक नहीं छोड़ेंगे वो शांत नहीं हो सकता बाहर से देख सकते हैं चेहरे में लेकिन अंदर से शांत नहीं ये अंदर बाहर दोनों ही शांत होना चाहिए कृष्ण ही को सर यानी हर चित्त कृष्ण के स्मरण करके करते हैं गुरु कृष्ण की सेवा में निरंतर तन से है मन से है वचन से है धन से है सब ये गोस्वामी लोगों ने जैसे गोपियां जैसे ऐसी बात अकाम यानी कोई कामना नहीं कामना निरीह 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 ऐसे शांत जैसे निरीह एक पर्यायवाचक शब्द स्थिर बोलते हैं ना बड़ा धीर स्थिर स्थिर प्रज्ञ जिसको स्थिर स्थिर विजित क्षण गुण काम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छह गुण को काबू में रखा है कैसे जैसे कछुआ है ना वो चलते समय चलते जब देखते हैं कोई विपत्ति आ गई कोई आ रहा है ना एकदम से सब संकुचित कर लेता है सब अंदर कर उसी कछुआ की तरफ इंद्रिय को संयम कर अभी हम क्या कर रहे हैं मन में जो अच्छा लग रहा है वही कर रहे हैं मेरी मर्जी बच्चे को बोलते बेटा ऐसा मत करना मेरी मर्जी है ऐसा मत बोलो डांट देते तो इसे यहाँ मेरी मर्जी नहीं चलेगी इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार ये सब चीज के गोस्वामी लोग जो है काबू में रखते हैं इस इंद्रियों के विजय करते वो श्लोक में बताया ना बाच वेगम मनुष्य मृदुपस्त वेगम एतान विषय जो विषय धीर पृथ्वी जो काम क्रोध लोभ छह गुण छह जो वेग है उसको जो काबू में कर ले पूरा दुनिया के गुरु वही शासन कर सकता है इसलिए शासन भोगी लोग नहीं कर सकते शासन तो गुरु ही करते हैं सबके बलिदान के लिए आपको बता था ना राम जी के राज आज भी याद क्यों करते हैं क्योंकि राम जी जो भी काम करते थे गुरु वशिष्ठ ने सलाह दी इसलिए राम राज्य आज भी याद करते हैं किसी किसी राज्य में तो राम बोलने से ही आपको तमाशा मार जय श्री राम है राम क्यों बोलो काम काम बोलो काम 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 बोलो काम करो काम करते रहो राम यहाँ भी ऐसे है ऐसी बात नहीं है जब मनमोहन सिंह था तो सोनिया गांधी को फॉलो करता था जो बोलती थी वही करता था तो सब बुद्धि मारी गई है सब स्वार्थ वाली जिन्होंने सृष्टि किया उनका नाम लेंगे नाम तेरा लेगा आगे
मित भूख कम से कम खाते हैं, मित भूख नहीं, कम भी नहीं ज्यादा भी, इसको बोलते हैं मित भूख। जितनी जरूरत है भगवान ने गीता में कहा है, हमने बचपन से सीखा, हमारे दादाजी कहते थे कि पेट खाली करके खाए, कम करके, मतलब थोड़ा गैप रहा, ऐसा नहीं कि यहाँ तक खा लिया सांस लेने में दिक्कत है। ये कथा सुनाता हूँ, एक मथुरा के चौबे, चौबे भाई मिठाई ब्राह्मण तो मिठाई की थोड़ा आसक्ति होती है, इतनी खाया घोड़िया मठ में, और खा पी के उसको चला नहीं जा रहा, वो क्या कर, चार लोग फिर उनको पकड़ के लेके आ रहे हैं, तो डॉक्टर के पास लाए, बोलते इसके काम कर चूरन खिला दो, चूरन खिला दो। तो चौबे नाक खोल के देखते हैं, बोलते डॉक्टर साहब अगर चूरन खाने की जगह होती तो मैं तो और भी खा लेता मैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री। ये हाल चूरन खाने का जगह नहीं है, तो मित भूख होना चाहिए जितनी जरूरत है। प्रभुपाद कहते हैं जथा जग को भोग और ना ही तथा रोग, विषय सफल सभी मान। ठाकुर जी की प्रसाद लीजिए और जितनी जरूरत है थोड़ा कम कम खाओ, दो बार चार बार खाओ लेकिन कम कम खाओ, तो भर भर के लोग प्लेट। बाकी डॉक्टर वंदना दीदी बैठे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? I am right or wrong? Please tell me. Absolutely right, Maharaj. Thank you so much. तो ये कहते हैं अप्रमत्त, यानी पागल नहीं है। लोग सोचते हैं अरे वैष्णव लोग ने तो सर गंजा कर दिया, एक चोटी रख दिया पीछे है ना, और हरी बोल कर राम राम कहते, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, ये काम थोड़ी है। देखो दुनिया की नज़र में उनको लगते हैं पागल, लेकिन नहीं, पागल तू है, साधु लोग नहीं है। वो तो सही ले रहे हैं, जिनकी जिन्होंने इन दुनिया को बनाया है उन्हीं का नाम लेना हमारा काम, और हमने वचन भी दिया माँ के पेट है ना, सबने दिया है, सबने दिया, जितने जीव माँ के, जितने भी जीव हैं मातृगर्भ में विशेष करके मनुष्य दिया है, शास्त्र में भागवत में बता रहे हैं तृतीय स्कंद भाग। तो कहते हैं टीका में सुकृतिवान जो जीव है सभी, इसका मतलब यही है ना, सभी का काम है कृष्ण भजन, श्री कृष्ण भजन करो, चैतन्य महाप्रभु का भजन करो। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, पुनरूपी जन्मम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जन्म जटाशी शयनम, कोई जन्म गया फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा फिर मरेगा, हैं, फिर कभी कुत्ता बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे, कभी गधे बनेंगे, कभी राजा बनेंगे, कभी प्रजा बनेंगे, कभी गिधोड़ बनेगा, कभी शेर बनेगा, बहुत सारे लोग। आत्मा तो अजरामर है आपका, काय अरबों साल लग जाएंगे मनुष्य जन्म मिलना, इसीलिए इस सिलसिला से 84 जो लोहाक जोनी से उद्धार पाने के लिए, इससे निकालने के लिए एक ही मार्ग है कृष्ण भजन, चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्य में, गुरु वैष्णव का अनुगत्य में भजन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। एक आती है स्टोरी, एक अंधा था तो बोला मैं भी भूल भुलैया देखने जाऊंगा, जंतर मंतर देखने जाऊंगा, तू अंधा तू का जैसे कहता नहीं, मैं टटोल के करके जहाँ रास्ता निकलेगा वहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है। उसको खाज की थोड़ी आदत थी, अच्छा खुजली, वो क्या किया उसने जैसे चक्कर लगाया, जैसे वहाँ पहुँचने लगा जी, वहाँ खारिश आ गई, वहाँ खारिश करते करते आगे निकल गया, रास्ता निकल गया, वो चक्कर काटता जाए। इन्होंने याद करा दिया, एक बार एक अंधा आदमी को जैसे बेसमेंट में ना चारों तरफ घेरा हुआ, उसमें 84 दरवाजा बाहर निकालने के लिए, होटल में ऐसा सिस्टम है, तो एक दरवाजा खुला हुआ निकालने के, तो अंधा आदमी को छोड़ दिया और बोलते हैं मैं निकल जाऊँगा, एक दर तो खुला है ना, मैं निकल जाऊँगा। अरे नहीं बेचारा, आप हमारी हाथ पकड़ लो, मैं आपको ले जाता हूँ। बोल नहीं कोई बात नहीं, एक दरवाजा खुला है ना, मैं निकल जाऊँगा। अच्छा ठीक है, तो दरवाजा ऐसा करके जा रहे ना, वो आदमी
जो खुला हुआ वहाँ से निकल जाए। तो ऐसे करते 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 जब खुला हुआ वहाँ आए तो उनको खुजली आ गई, खुचर 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 खूब खुजला और वो दोनों हाथ छूट गया, वो आगे निकल गया। तो कहने का मतलब फिर दोबारा 84 लाख के चक्कर फिर ही चक्कर फिर ही घुमा। कहने का मतलब है, ये रूपक बना के बता रहा हूँ, एक साधु आपको बोल रहे हैं भाई हरि भजन करो, हाथ पकड़ लो, भजन करो गुरु के आश्रय में। और हम खुद क्या करें, नहीं मैं खुद ही नहीं, खुद हमारा उद्धार करो, ठीक है। तो ये चलो प्रयास भी करते हैं, वही होता है खुजली होती, यानी संसार की वासना भोगों की इच्छा रहने से उसी में ही फंसते हैं, दल दल में फंसते हैं। इसलिए संसार दो है, एक भौतिक संसार, इसको अनित्य संसार कहा गया, ये चैतन्य भागवत में बताया है, और एक है नित्य संसार, जो मठ मंदिर में जो ठाकुर जी की सेवा पूजा हो रही, ये नित्य संसार है। आप ही खुद ही चयन कीजिए क्या नित्य संसार करना है या नित्य संसार करना है। बोले महाराज हम जो गृहस्थ हैं तो घर बार छोड़ करके सब लोग मंदिर में मठ में आ जाए, हम बोलते वेलकम वेलकम, अगर नहीं आए तो भीड़ कम वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम है। तो कहते हैं ऐसा अगर नहीं है, आ नहीं सकते, तो अपने घर को ही गुरु के स्थान जान करके, मठ जान करके उनके सेवा करो। कृष्णेर संसार करो छाड़ी होना चाहिए, जीवे दया नामे रुचि सर्व करो। क्या बोला, जीवे दया नामे रुचि, नहीं कृष्णेर संसार करो छाड़ी होना चाहिए, जीवे दया नामे रुचि सर्वधर्म सर्वधर्म सार। ये बुद्ध से भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जो कृष्ण का संसार करो, आपने मेरा है, ये मेरे बेटा है, ये मेरे पति है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा छोड़ दो, भक्ति में मेरा जो है ना ये नेगेटिव थिंग है, ये सब उन्हीं की है। नहीं मैं तो रागानु का मार्ग भजन कर रहा हूँ, कृष्ण मेरे हैं, राधा रानी प्यारी मेरी है, मेरी राधा रानी मेरी, ये सब नटंकी करने से नहीं होता। रागानु का भक्ति दिखाने के लिए नहीं है, ये अंदर की बात। माता जी गोपाल को रखते हैं, चूमती हैं, खूब प्यार करते हैं, ओ गोपाल, ये सब लोग दिखाने के लिए, तो नटंकी है, अप्राकृत वस्तु को भोग कर रहे हैं। रागानुगा भक्ति करनी है, यानी रूपानुगा भक्ति रूप गोस्वामी की अनुगत, तो बाहर दिखाने के लिए, तो अंदर की बात अपना आप ही वो प्रकाश होता है। तो ये सब भक्ति में नटंग के लिए चलते, विधि मार्ग को फॉलो करना पड़े, विधि मार्ग रतो जाने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्ग को रान, विधि को फॉलो करना पड़ेगा, जिनको जो सम्मान है मर्यादा है उनको देना पड़ेगा, सीनियर जूनियर है ना। और जो विधि विधान है वो मैं सुना आपको, चार चीज मुझे याद आ गई बताता, किसी ने कहा था, बोलते ये भक्ति विधान तो परम पूज्य भक्त तो स्वामी महाराज का ये थियोरी था, कोई बोलते नहीं था, कोई किसी ने उनका नाम से चलाया, तो जो भी है मुझे चार श्लोक आया वो बताता है। बुक्स आर द बेसिक, क्या बोला, बुक्स आर द बेसिक, बुक्स आर द बेसिक, प्रीचिंग प्रीचिंग इज द एसेंशियल, प्योरिटी इज फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यानी जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं ना, सुनने से नहीं होगा, कोई जो के लोग कमजोर है पढ़ना भी और लिखना भी, तब जाकर के दिमाग में बैठेगी बात, इतने में सिर्फ काम नहीं होगा, आपको खुद ही भजन करना पड़ेगा तभी हम रियलाइजेशन कर पाएंगे। जब तक रियलाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति ऐसा है डामाडोल है, हिलती डुलती रहती। तो बुक्स आर द बेसिक, प्रीचिंग इज द एसेंशियल, प्रीचिंग प्रचार भी बहुत जरूरी। आप कथा सुन रहे हैं ना, आपने कोई नहीं है तो घर में बोलिए, घर में नहीं है तो घर में वॉल है, शीशा है, शीशा के आगे खड़ा कर बोलिए भगवान की कथा।
ये भगवान की कथा श्रोता के लिए नहीं है, हम मेरे लिए, हमारे अपने कल्याण के लिए। भगवान की कथा अपराकृत है, उनको भोग नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं क्या करते हैं, कथा को अपने मन वाली खुश वाली बात करा करके कथा को भोग करवाते हैं, भोग कराते हैं, करते भी गलत। भगवान की कोई भी चीज़ भोग नहीं कर सकते, अपराध है। भगवान के प्रसाद, भगवान का नाम, भगवान के विग्रह, भगवान के जो भक्त वैष्णव लोग और भगवान का धाम भोग नहीं कर सकते, हम उनका सेवा कर सकते। भोग बुद्धि आई गया है ना। सेवा सेव्य वस्तु के प्रीति के लिए होती है, जिनकी सेवा करो, और भोग अपने लिए होता है। मैं गुरु के पास आता हूँ केवल अपनी धंधा पूरा करने के लिए, तो ये भोग है। तो इस तरह से यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है, सीनियर जूनियर को एक दूसरे का जो सम्मान मर्यादा देना पड़े। सीनियर जूनियर की बात तो है ही, लेकिन हर किसी जीवात्मा शरीरधारी व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। ये चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास को विराज कर नीर अभिमानी उत्तम वैष्णव भैया हमें नीर अभिमान जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठा। जीव के प्रति सम्मान देना है, क्योंकि जीव के अंदर जो सर्वात्मा बैठे हैं भगवान कृष्ण, उनको प्रणाम सम्मान देना जरूरी है। खाली चमड़ा देखने से चाहिए नहीं, ये गोरे हैं ये काले। साधु में हमेशा तत्व दर्शन होगा, आत्मदर्शी होंगे ना, वो काले हैं ये गोरे हैं ये दर्शन। तो इसको काले गोरे को दर्शन करने वाले का चमार कहा गया। क्या कहा गया? वो चमार जनक के उसमें ना, जनक राजा के उसमें अष्टभ। ये सब देखो, तो देखो ये बड़ी बड़ी बात कौन बोल सकता है? एक मिनट सुनो, क्योंकि जो जीवन में आचरण कर रहे हैं ना, वही बोल सकते हैं ये बात तो। और जो आचरण नहीं कर रहे, खाली उनकी बात सुन करके बोल दिया, आपके चीज में उनको फर्क कोई फायदा नहीं। और सच में ही साधु वैष्णवी सच नहीं बोलेगा तो बोलेगा? शास्त्र में तो है, लेकिन बोलेगा उनका ज्ञान जो है, ज्ञान सही था ना, इसलिए इसलिए जीवन में आचरण करने के लिए प्रयास कीजिए, भगवान कल्याण कर दिया है ना। जैसे बीज बोएंगे, जैसे करेंगे, ऐसे इसलिए हमेशा प्रार्थना करो कि हम नित्य सेवा गुरु वैष्णव भगवान की निर्विघ्नता से सुसंपूर्ण। उनकी प्रसन्न करना है, अपनी अपने को भूल जाओ, जब मेरा क्या होगा नहीं होगा, मेरा मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे कौन देगा, मेरे तो बीवी बच्चे कोई है नहीं, तो फिर वो थोड़ी गुरु के पास रह पाए। अगर निष्कपट रूप में अगर सेवा करेंगे तो आपकी सेवा के लिए भगवान भेजेंगे नहीं। वो बंगाल में है ना, रघुनंदन ना कौन से गोपाल खुदी जो श्राद्ध करने के लिए गोपाल जी आ गए थे, कहाँ पे गए ना वहाँ पे, वो गौड़ मंडल में है वो, तो मेरे बेटा नहीं है, श्रीखंड वाले होंगे सर। गोपाल खुद ही उनका बेटा बन करके उनके श्राद्ध कर गए ठाकुर। तो भगवान सबको खिला रहा है, पिला रहा है, कर तो ही रहे। हम लोग तो उपलोक से बात जिनको जैसे ना चाहते भी ऐसी कथा आती है, भक्तमाल के अंदर भी कथा है, वो आगे खुद भगवान जो आगे उसका। तो जो बता रहा था बुक्स आर द बेसिक, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्रीचिंग इज द एसेंशियल एंड प्योरिटी इज फोर्स। आपके अंदर प्योरिटी है तो आपकी वाणी में फोर्स, वाणी में, आचरण में, हर चीज। ये विद्या रटने वाली विद्या नहीं है, जो जितनी निष्कपट रूप में गुरु की सेवा करेंगे उनके अंदर उनकी वाणी में उतना दम। गॉड गिफ्टेड है ये गुरु मुखी, इसको बोलते हैं गुरु, गुरु को प्रसन्न करना पड़ता है तभी। गुरु मेहरबान चेला पहलवान। क्या बोला?
गुरु मेहरबान चला पाल। मुसलमान वो लोग बोलते हैं अल्लाह मेहरबान और गदा पाल। वो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्या गुरुजी ने हमारे गुरुवर्गों ने केवल जितने महाराजा भी जैसे तीरथ महाराज, माधव महाराज, बनवास, सिद्धर महाराज के उनके स्पेशल कृपा करके गए थे जो तेरे लिए इतना 2 किलो कृपा करना, इनके लिए 3 किलो, इनके लिए 5 किलो कृपा, और हम लोग के लिए कृपा ही नहीं किया। आप बताइए या क्या सिद्धांत है इनके? इसका मतलब हम उनकी जितनी सेवा करेंगे उतनी ही कृपा मिलेगी, सीधी सी बात, उतना ही गुरु का गुण उनका अंदर आएगा। गुरु तो खदान है ना भाई, जितना उससे करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, प्रसाद सेवा करो चबा और सेवा करो दबा, खाना खाओ चबा के सेवा करो दबा। हमारे जिले के लोग है यहाँ, उनको बोलते हैं खाना खाओ चबा के सेवा करो दबा। सेवा ठीक से होनी चाहिए तो सब कुछ ठीक, आगे प्योरिटी होनी चाहिए तभी प्योर भक्ति प्रचार प्रसार। प्योरिटी नहीं है तो गड़बड़। और बाकी हम लोग गुरु के पास, भगवान के पास आए किस लिए? अपने को, अपने आप को, अपने को सुधारने के। वो तो सुधरे हुए और कोई सुधारना चाहते हैं उनको भी जोड़ दो गुरु से। मानो तो जानी अमानी होकर के बैठे नहीं रहेंगे, नहीं मैं किसी से लेना देना नहीं, मैं तो कमरा में बैठा रहता हूँ, किसी कोई लेना देना कुछ लेना ना देना ना देना। लेकिन जहाँ आप रहते हैं ना, अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको सम्मान देना, मान ही ना मान दिया, इसको बोलते मान देना। तो मान देंगे। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मान जो दे रहा हूँ उनके लिए इच्छा नहीं रखना कि वो मुझे बाद में भी मान देगा, मुझे भी सम्मान करे ना, मान ही ना मान दे। वो सम्मान के लिए पूछता है कोई मान दे ना दे, लेकिन आप मान दो, आपको देना। बोलो श्री गुरुदेव की जय। जय श्री अमानी तो जानती है जब मान की इच्छा ना नहीं रखते, गंभीर तत्व जो है बड़ा गंभीर है और उसी में विचरण करते हैं। करुणा करुण है, दया मैत्री है, मित्रता फ्रेंड्स। तो गुरुदेव कहते हैं साधु गुरु से वैष्णव से क्या संबंध, कैसे संबंध क्या है? माता बहन यहाँ पर बहुत कुछ लगाते हैं गुरु महाराज के पास, तो कहते हैं कि वैष्णव के साथ लौकिक सद्बंधुवत कैसे व्यवहार होना चाहिए? लौकिक सद्बंधु, लौकिक सद्बंधु धन्यवाद। आइए ओम नमः ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासी गौरभक्तवृंद बलहरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला ब्रविष्ण विष्णु पादोत्तर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग अनुवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद श्रोत्र सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मेरे यथाजुग प्रणाम करता हूँ।
ये जो ग्रंथ है श्रीला प्रभुपाद का उपदेश शामिल है। कद अलग अलग समय पर भक्तों ने प्रभुपाद को अलग अलग प्रश्न किया है, उन्होंने जो उत्तर दिया कद ये ग्रंथ है। कद प्रभुपाद कौन ही बल्कि गोलोक वृंदावन में राधा रानी की निकुंज मंदिर में राधा रानी की सेवा में जो नियुक्त थे। राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, क्योंकि करुणा कुरुमयी करुणा राधा रानी करुणा की कृपा मूर्ति है। हम एक तरह से उनका बच्चे हैं। जैसे माँ कभी बच्चों का दुख देख नहीं सकती है, बच्चे अगर खुश रहे ना माँ भी खुश रहती है, अगर बच्चे अगर दुख हो माँ भी दुखी रहती है। इसलिए वो जगत का माँ है। हमारी दुर्दशा दुर्गति को देख करके राधा रानी स्वयं श्रील प्रभुपाद को, प्रभुपाद कौन, राधा रानी की नयन मणि मंजरी। मानो राधा रानी ने आदेश दिया, जाओ जाकर के जीवों का दुख हरण करो और उनको अपना घर में वापस ले आओ। इसलिए प्रभुपाद हमें अपना घर में वापस लेने के लिए प्रभुपाद जगत में आए हैं, वापस लेने के लिए हमें आए हैं। अगर इनकी उपदेश को सुनेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपना घर में जा सकते हैं, अपना घर में हम लोग जा सकते हैं। इसलिए उनका एक उपदेश सुन लेते हैं। ठीक, उन्होंने क्या बताया, किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया, क्या साधु संग हर समय करनी चाहिए ना, साधु संग कभी कभी करनी चाहिए, किसने प्रश्न किया। तो प्रभुपाद उसको उत्तर देते हैं, सर्वक्षण साधु संग थाकते हैवे, मतलब हर समय संतों का साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सत्संग से दूर होएंगे ये माया आकर के हमें पकड़ेगी। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लब मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि। हर शास्त्र में कहते हैं भक्तों का संग करो, साधु संग करो। अगर जीवन में एक लव अगर साधु संग मिल जाए, कहते एक लव कितना समय है, बोले एक सेकंड को 11 भाग करो, 11 भाग का एकवा भाग को एक लव कहते हैं। अगर जीवन में इतना समय केवल जीवन में साधु संग हो जाए, फिर जीव का जीवन धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। इसलिए कहते हर समय हमें भक्तों का साथ में रहना पड़ेगा। इसलिए नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं, नरोत्तमदास ठाकुर क्या कहते हैं, क्या श्लोक, वैष्णव संगत मान आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण प्रसन्न। जब हम वैष्णव का संग में रहते हैं, क्या होता है, हर समय हमें भगवत संग प्राप्त होता है, भगवत संग। क्योंकि और साधु संग में हर समय आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, क्योंकि साधु संग में हर समय हम हरि कथा सुनने को भगवान को मिलता है। इसलिए भगवत प्राप्ति को बाद में भी जब ध्रुव महाराज को भगवान बोले मेरे को वर मांगो, वो क्या कहते हैं, बोले प्रभु आपका भक्तों का संग हमें दो। भगवान बोले जब मैं स्वयं तुमको प्राप्त हो गया, फिर ये भक्त संग क्यों चाहते हो, बोले प्रभु आप तो आपकी कथा नहीं सुना, आपकी कथा तो वैष्णव लोग ही सुनाएंगे। जब हम भगवान की कथा सुनते रहेंगे क्या होगा, महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं, जैसे गमला में हमने एक पौधा लगाया, अगर उसमें पानी नहीं देगा तो क्या होगा, धीरे धीरे सूख जाएगी, वो धीरे धीरे सूख जाएगी, ज़्यादा दिन नहीं जाएगी। इसलिए आप लोगों को देखना, जो मंदिर में आते जाते रहते हैं, भक्तों का संग करते हैं, उनको गला में तुलसी कंठी तिलक हरिनाम ठीक से करते हैं, लेकिन जो वैष्णव संग में नहीं आते ना, धीरे धीरे तिलक भी उतर जाती है, गला से कंठी उतर जाती है, माला तो जहाँ के तहाँ माला लटकी जाती है। कारण क्या है, क्योंकि उसमें हम पानी नहीं दे रहे हैं। अरे पानी नहीं दोगे तो दो दिन बाद में पौधा सूख ही जाएगा, पौधा सूख ही जाएगा। इसलिए जब तक हम वैष्णव संग में रहेंगे तब तक हमारी भक्ति बढ़ी रहेगी। इसलिए बोले दो तरह के पौधा होता है, एक पौधा तो जैसे छोटा पौधा है, जो छोटा पौधा होता है
अब देखना वहाँ रोज पानी देना पड़ता है, एक दिन पानी नहीं तो सूख जाती है। लेकिन एक पौधा होती है जिसका जड़ एकदम नीचे चला गया, बहुत नीचे चला गया, वो खुद स्वयं पानी को अपने आप पानी को नीचे से ले लेते हैं, उसको पानी देने का जरूरत नहीं, वो पानी स्वयं ले लेते हैं। कहते उसी तरह कहते ऐसे भक्त कौन है, बोले जिसकी रुचि स्थिति आ गई, जिसको स्थिति रुचि में आ गई है, भगवत रुचि का अवस्था जिसका प्राप्त हो गया, वो अकेले रहने पर भी वो संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला बसा निकृतो निद्रा आहार विहार विजितो चात्यंत दीन चलो राधा कृष्ण गुण स्मृतिन मधुरिमान सन्महितो वंदे रूप सनातनम रघुयुगो श्री जीव गोपाल। जैसे हमारे गोस्वामी लोग रहते थे, लेकिन वो तो नित्य सिद्ध परिकर राधा रानी की सबके सब मंजरी सखियाँ हैं ये सबके सब थे, लेकिन रहते हुए भी ये क्या कर लेते थे, बोले संख्या पूर्वक नाम, अपना संख्या पूर्वक नाम कर लेते थे, गान रोज भगवान की शरणागति भगवत भक्ति संबंधी भगवान की सुंदर सुंदर भजन गा लेते थे हैं, संख्या पूर्वक नाम गान। बोले नती भी मतलब जैसे हम लोग जय ध्वनि देते रोज रोज सवेरे, जय श्री श्री गुरु गौरांगंधर जी का गुरुधारी राधा गोविंद गोपीनाथ राधा रमण लाल की, जैसे हम लोग जय ध्वनि देते हैं। लेकिन हम सुनते हैं जो गोस्वामी लोग का जो भजन है 1000 बार, कैसे हम लोग तो खड़े खड़े होकर जय देते हैं, वो ऐसे नहीं जय देते, वो कैसे जय देते थे, एक बार जय ध्वनि देकर पूरा साष्टांग लेट जाते थे, अपना सबसे पहले अपना गुरुदेव को जय ध्वनि देते थे, साष्टांग पूरा पूरा लेट जाते थे, फिर खड़े हो जाते थे, फिर निखिलला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतह श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी देखो, पूरा लेट जाते हैं, फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं, नित्यलीला ब्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोदर सतह श्री श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, पूरा लेट जाते थे खड़े हो जाते थे, दिन में 1000 बार सारे वैष्णव का नाम को लेकर के सारे धाम का नाम को लेकर प्रणाम करते थे खड़े हो जाते थे हैं। इसलिए क्योंकि ये नित्य सिद्ध परिकर थे, वो अकेले रहने पर भी इनका जो साधन भजन है वो साधन भजन एकदम सही होता था, क्योंकि वो ऐसे वृक्ष हैं जो अपने आप नीचे से पानी ले लेते, लेकिन हम लोग ऐसे अभी छोटे पौधे हैं, अगर रोज रोज इसमें पानी नहीं देंगे ना फिर क्या होगा, रोज रोज पानी नहीं देंगे तो पौधा हमारी सूख जाएगी, ये पौधा नहीं रहेगी है, ये पौधा नहीं रहेगी। इसलिए तब भी हमारे गोस्वामी लोग जैसे गुरुदेव कहते थे राधा दामोदर मंदिर में जहाँ पर रूप गोस्वामी भजन कुटी, तब भी वहाँ पर वैष्णव लोग अपना अकेले अकेले तो साधन भजन करते थे, फिर एक जगह पर बैठी करके इष्ट गोष्ठी करते थे, सारे भक्त लोग बैठ करके आपस में हरिचर्चा इष्ट गोष्ठी गोष्ठी और बैठ करके हरिनाम सबके सब करते थे। इसलिए वो मुक्त अवस्था में भी वो क्या करते थे, भगवान की साधन भजन और बैठ करके इष्ट गोष्ठी वो क्या करते थे हा? इसलिए वैष्णव लोग उदाहरण देते हैं, जैसे घर आप देखना एक दिन अगर उसमें झाड़ू बुहारी अगर एक दिन नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर गंदा हो जाता है, वो गंदा हो जाता है, एक दिन अगर झाड़ू बुहारी नहीं लगाएंगे फिर तो उसी तरह हृदय में भी ये झाड़ू बुहारी की हृदय में भी जरूरत है, वो क्या है, बोले श्रवण और ये कीर्तन है। इसलिए वैष्णव लोग उदाहरण देते हैं, जैसे एक मकान है उसका चारों तरफ में बाउंड्री लगा, वो व्यक्ति कहीं बाहर जा रहा है और एक मकान है लेकिन उसमें एक चौकीदार रख करके कोई बाहर जा रहा है, बताओ दोनों में कौन ज़्यादा सेफ रहेगा, चौकीदार यही सेफ, जितने भी घर का चारों तरफ में बाउंड्री लगा हुई है उसमें दरवाजा है ताला बंद किया हुआ, लेकिन एक के लिए एक चौकीदार रख करके
जो ताला लगने पर भी कोई भी वो ताला को तोड़ करके अंदर में घुस सकता है और सारे सामान को ले जा सकता है। लेकिन आप किसी चौकीदार को अगर आप बैठा करके जाओगे ना, आपको पूरा आप निश्चित रहेंगे, क्योंकि हमने एक चौकीदारी को हमने बैठा करके हमने आया है। कहते उसी तरह कहते ये चौकीदारी कौन है, कहते ये वैष्णव लोग हैं, ये वैष्णव लोग हैं। अगर हम वैष्णव को साथ में अगर हर समय रहेंगे, जितने बाउंड्री लगा हुआ है लेकिन उससे ज़्यादा सेफ है अगर हम चौकीदारी मतलब अगर वैष्णव का संग में अगर हम रहेंगे। इसलिए कहते भैया आप हम जो वैष्णव का संग करनी चाहिए, बोले कैसे वैष्णव का संग करनी चाहिए, किस तरह का भक्तों का संग करनी चाहिए। वहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं भैया तुम्हारी जिस स्थिति है, तुम्हारी भक्ति में जो स्थिति है, कम से कम उससे नीचे व्यक्ति के साथ में मत रहा। नीचे व्यक्ति को साथ में रहेंगे फिर आपका भक्ति धीरे 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 नीचे गिरती जाएगी, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो स्वभाव है ना, नीचे जाने का स्वभाव है, ऊपर उठने का हमारे स्वभाव नहीं है। इसलिए कम से कम नीचे व्यक्ति कम से कम अपना बराबर हो, नहीं तो अगर आपसे अगर भजन में कोई श्रेष्ठ थोड़ा हो, अगर उसको साथ में रहेंगे फिर हमारी भक्ति धीरे 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 हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे भक्ति बढ़ती जाएगी, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगी, कम से कम भक्ति हमारी घटती जाएगी, हैं बढ़ती जाएगी। इसलिए कम से कम कोशिश करो अपना से थोड़ी सी ज़्यादा, जिसकी साधन भजन थोड़ी सी उन्नत है, हैं साधन भजन जिनकी उन्नत है, अगर उनको साथ में रहने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कम से कम बराबर हो, लेकिन कभी कभी आपसे कोई नीचे व्यक्ति नहीं, ये चीज़ को हमें ध्यान में रखनी चाहिए, हैं, क्योंकि जो संग है वो संग से ही जीव का रंग बदलता है, संग से ही जीव का रंग बदलती है, केवल संग से ही। इसलिए जिसको राय रामानंद कहते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मती प्रियताम कुत्वापि यदि लभ्यते तत्र लौल्य मूल्य मिकलम कुटी सुकृति अपनी न लभ्यते। कहते भक्ति कैसे मिलती है, बोले सुकृति से, सुकृति से भक्ति मिलती है। लेकिन अगर किसी भाग्यवशत हो, किसी भाग्यवशत हो अगर ऐसे हमें कोई भक्त मिल जाए सचमुच से, जिसका मति गुरुदेव उदाहरण देते थे जैसे किसी रुई को पानी में डुबो दो, जैसे उसका कण कण में ही पानी, उसकी कण कण में ही पानी घुस जाती है। अगर हमें भाग्यवशत ऐसे कोई साधु मिल जाए जिसको कण कण में कृष्ण भक्ति रस को द्वारा संपूर्ण वो डूबा हुआ भक्त है, अगर किसी भाग्य से ऐसे भक्त मिल जाए ना, कहते भैया कोटि सुकृति अभी न लभते, कहते करोड़ों करोड़ों सुकृति को द्वारा जो प्राप्त नहीं कर सकते हो उससे भक्तों का संग से इतने जल्दी हम भक्ति में बढ़ सकते, इतने भक्ति में हम बढ़ सकते हैं। इसलिए जैसे हमारे गुरु जी तक थे भक्ति वेदांत स्वरूप नारायण गोस्वामी महाराज, जब वो मथुरा में रहते थे हम भी मथुरा में रहे, रामचंद्र प्रभु कभी भी आते थे, आप सोच नहीं सकते। जैसे अगस्त ऋषि, जहाँ पर अगस्त ऋषि रहते थे ना, जब भगवान राम वनवास में गए वहाँ पर देखा नेवला और सांप दोनों मुँह लगा करके चुंबन कर रहे, देखा शेर के पैर के ऊपर में हिरण सर रख करके सो रहा है, जो एक खाद्य खादर जो किसका भोजन है वो आपस आपस में प्रेम कर रहे हैं, बोले भैया ये तो अद्भुत चीज है, ये तो बड़ा अद्भुत चीज है, बोले जरूर ये अगस्त ऋषि का ही आश्रम है, क्योंकि उनकी भजन इतना प्रताप था, भजन की इतने प्रताप था, जहाँ पर हिंस्र जंतु भी अपना हिंस्र स्वभाव को छोड़ देते थे। इसलिए जब भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जब रहते थे मथुरा मठ में रहते थे, हम लोगों ने देखा जैसे गुरुदेव सवेरे क्लास देते थे, शाम को देते थे, लोगों को पूछते थे, और दिन में तीन तीन बार, दिन में देखा तीन तीन बार वहाँ कथा होती थी, तीन तीन बार वहाँ पर कथा होती थी। जब हम रहते थे ना एकदम सारा दिन केवल दिमाग में ना, गुरुदेव शाम कथा करेंगे फिर कथा पूछेंगे क्या तुमने पढ़े हो, श्लोक पूछेंगे गुरुदेव, वहाँ पर ऐसे परिवेश था गुरुदेव के पास, और स्वयं सवेरे उठ करके एक एक लाख हरिनाम जब तक गुरु जी पूरा नहीं कर लेते थे तब तक कोई भोजन नहीं करते थे, हैं मैंने देखा एक सिद्ध महात्मा, एक सिद्ध महापुरुष जहाँ पर रहते हैं जहाँ भजन करते हैं ना,
इसलिए महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बोलते थे, महाराज बोलते थे अगर एक शुद्ध साधु अगर हरि कथा भी नहीं बोलते, हरि कथा भी नहीं बोलते, केवल रहते हैं किस स्थान पर, नहीं तो बैठे हुए अगर उनको पास में केवल आप बैठे रहना, गुरुदेव कहते तो उनका शरीर से तो दिव्य जो चिन्मय कृष्ण भक्ति रस की जो जो किरण जो निकलती है, वो जो किरण निकलती है अगर उनको केवल पास में बैठे रहोगे ना, तुम्हारे भजन अपने आप हो जाएगा, कि तुम्हारी भजन अपने आप तुम्हारी भजन होती जाएगी। मतलब वैष्णव संघ की कितने महत्व है, कितने महत्व है। इसलिए जो पूछा क्या हर समय वैष्णव का संग करना पड़ेगा, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सर्वक्षण साधु संगे थाकते हवे, हर समय वैष्णव को साथ में रहोगे। इसलिए गुरुदेव कहते थे पहले जब तक ये मेरे गुरुदेव का क्लास है, गुरुदेव कहते थे जब तक तुम्हारी भावावस्था नहीं आ जाती है, भावावस्था नहीं आ जाती है भैया वहाँ से भी गिरने का कोई भी चांस है। जैसे जड़ भरत यद्यपि वो शिक्षा दिए हम लोगों के लिए शिक्षा दिए हैं, उनकी स्थिति तो अलग स्थिति है, लेकिन हम लोगों के लिए शिक्षा दिया कहाँ भावावस्था तक तो पहुँच करके एक हिरण की प्रति आसक्ति हो गई, वहाँ से गिरे और हिरण बने, वहाँ से गिर करके उनको हिरण बना। लेकिन गुरुदेव कहते थे अगर कोई उन्नत वैष्णव का संग में रहते थे जो हिरण को गोद में जो बैठता है, जब भजन करते सिंह से खुजलाया करते थे बास उनका जो ध्यान टूट जाती थी, अगर कोई उन्नत वैष्णव होते तो सावधान करते थे, क्या कर रहे हो सावधान, क्यों उसको प्रति आसक्ति हो रहे हो, भजन करने के लिए आए हैं, अपना घर बार दुनिया छोड़ा, छोड़ करके हिरण का प्रति क्यों आसक्ति कर, छोड़ो ही आसक्ति को। गुरुदेव कहते थे अगर कोई उन्नत वैष्णव होते तो उनको शासन करते, उनको शासन करते वो संघ से हमें दूर कर देते। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे जब तक ये अवस्था नहीं आ जाए तब तक हमें किसी शुद्ध साधु की आनुगत्य में रहने का प्रयोजन नहीं, किसी शुद्ध साधु के आनुगत्य में रहनी चाहिए, क्योंकि वो हर समय अगर हम किसी गलत रास्ता पर जाए वो हमें शासन करेंगे, टोकेंगे, हमें समझाएंगे, हैं समझाएंगे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं हर समय क्या करनी चाहिए, साधु संग में हर समय करनी चाहिए। बोले सत्संग व्यतीत दुर्बल आमे किछु तई बाँचते पारवो ना, प्रभुपाद कह रहे हैं मतलब साधु संघ के बगैर हम लोग हृदय दुर्बल है, हृदय दुर्बल हम लोग स्वाभाविक रूप में देखना हमारी जो मन की भावना है ना वो ऊंचा नहीं जाती, स्वाभाविक रूप में देखना हमारे मन की गति ऊंचा नहीं जाती, वो नीचे जाना चाहती है, नीचे जाना चाहती। इसलिए मेरे गुरुदेव ना देखो मेरे गुरुदेव किसी ब्रह्मचारी को अकेले रूम नहीं देते, नहीं देते अकेला रूम नहीं दे, नहीं देते दे दे। बोले क्यों दुर्बल जन कमजोर है, कारण है जैसे जब हम हमारे गुरुदेव कमेट में एक हाल रूम था उसमें ही हम जब आए उसमें रहते थे, पूरी में जगन्नाथपुरी में एक हाल घर में हम सबके सब वही खुश होते थे करते थे, गुरुदेव किसी ब्रह्मचारी को अलग रूम नहीं देते। कारण है जब तुम एक अलग रूम में रहोगे, अभी जैसे स्मार्टफोन आ गए ये तो सर्वनाश करने वाली चीज़ है, सर्वनाश करने वाली चीज़ है। फिर क्या होता है जब हम अकेले रहेंगे हमारी जो पूर्व स्वभाव है वो हमारे हृदय में उदय होता है, फिर हम अकेले में रहने पर कुछ गलती काम कर सकते हैं। लेकिन जब वैष्णव के साथ में रहेंगे डर को मारे क्या करेंगे, बोले भैया अगर हम अकेले अगर कोई गलत काम करेंगे दूसरे एक दूसरा व्यक्ति देख रहा है ना, एक दूसरा व्यक्ति देख रहा है फिर हमें टोकेगा फिर उसमें शासन करेगा, वह हम जब एक साथ में रहेंगे फिर क्या होगा किसी गलत काम करने के लिए मन नहीं जाएगी। लेकिन जब अकेले रहेंगे हमारे मन में जो इच्छा सुन कोई काम कर सकते, इसलिए मेरे गुरुदेव बोलते ब्रह्मचारी को नहीं अकेले नहीं एक साथ में रहो, तीन चार करके रहो, एक रूप में तीन चार भक्त एक साथ में रहो, एक दूसरों को चेक कर सकता है, एक व्यक्ति को चेक कर सकता है। उस समय मोबाइल ले उस समय मोबाइल भी नहीं होगा, नहीं उस समय मोबाइल अब तो ज़्यादा खतरा है, अब तो ज़्यादा खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है।
इसलिए कहते सत्संग व्यतीत दुर्बल हमें किचुते ही बाचते पारो ना। सत्संग के बगैर हमारे हृदय दुर्बल है। कहते भैया किसी तरह से माया से बच नहीं सकते हो, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एकाकिया मार नहीं पाइबल हरि नाम संकीर्तन तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण।